गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड का सब्जेक्ट ईवीएस का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नेम ऑफ फ्लावर्स। नेम ऑफ फ्लावर्स, व्हाट आर फ्लावर्स? फ्लावर्स किसको कहते हैं बच्चों? फ्लावर्स मीन्स फूल। तो आपने देखा, आप अपने गार्डन में कभी गए हो, वहाँ पे तरह तरह के फूल आपने देखे होंगे, या किसी भी गार्डन में, कभी मुगल गार्डन जाओ या कोई भी और गार्डन है, आपने एक ही तरह के फूल नहीं देखे, तरह तरह के। तो आज उन्हीं फूलों के हमको नाम लिखने हैं, मुझे सुना पोश। हाँ, तो सबसे पहले मैं लिखूँगी पहला फूल का नाम रोज़, गुलाब का फूल, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। सेकेंड लोटस, कमल। थर्ड मैरी गोल्ड, वो ऑरेंजिश टाइप का फ्लावर होता है, ठीक है ना, आपके गार्डन में मुझे वो गार्लैंड्स वगैरह बनाने के, यानी कि वो हार्च ना बनावते में से वो बनाने के काम होता है, मैरी गोल्ड। फिर हो गया एक और फ्लावर डहेलिया, डी ए एच ए एल आई, डहेलिया। फिर हो गया आपका लोटस, रोज, लोटस, मैरी गोल्ड, डहेलिया, लिली, एल आई एल वाई, लिली। और क्या, यहाँ से थोड़ा लाइन मार के लिखेंगे, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं ना, यानी कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी जाती है वहाँ वहाँ इसका मुंह फिरता है, ठीक है ना। फिर हो गए आपके ट्यूलिप्स, आप लोग देखे स्प्रिंग में जब होता है मार्च के महीने में, यू ना मार्च में छो आसान ट्यूलिप गार्डन में, ट्यूलिप वारे उस ट्यूलिप के कितने अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं, सनफ्लावर, ट्यूलिप, लोटस, रोज, मैरीगोल्ड, डहेलिया, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप। तो ट्यूलिप है, फिर क्या, सनफ्लावर, ट्यूलिप। उसके बाद हो गया आपका डेजी, फिर हो गया आपका जैस्मिन, जे ए एस एम आई एन ई, जैस्मिन। फिर हो गया आपका सैफ्रॉन, एस ए एफ एफ आर ओ एन, होता है सैफ्रॉन, क्या होता है, केसर, केसर के फूल होते हैं ना, दैट इज सैफ्रॉन फ्लावर। अब क्या, पहले आर ओ एस सी, व्हाट इज, रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, डहेलिया, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डेजी, जैस्मिन, सैफ्रॉन। तो क्या शुकारण, तो जी धाप पोषकरण, यहाँ पे कॉपी पैड, असल पर आपने कॉपी पे इसको उतारना है और उनको अच्छी तरह से याद करना है विद स्पेलिंग्स। ओके।